अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामा हेथ चुस साहिल अमीन तुंद खदमत मज हाजिर तो खबरन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। हमसाय मुल्क तरफ नौजवान गुमराह करने कोशिश बदस्तूर जारी, उलमान तो बुजुर्गन पे नौजवान वत पे अन्न जिम्मेदारी एल जी मनोज सिन्हा। जम्मू कशीर में एन आई ए तरफ कार्रवाई बदस्तूर जारी, वादी हिंदे शुमाल जनूबस में ताज कार्रवाई, अहम दस्तावेजात जब्त। तो बार एसोसिएशन हंदव तरफ त्रेमे दौ तहजी मुजाहरे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खिलाफ नारबाजी, तब्दीली हज मुजाहरीनों मांग। Up to 5 crores. That's how much Nizami Education Group is committing to create 200 scholarships this year alone. If you're committed to earning your degree, we're committed to making it accessible. Because we believe everybody deserves a chance. And sometimes, one chance is all it takes to change everything. See what scholarships you may qualify for at NizamiaEducationGroup.com. तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। जम्मू कशीर में ये एन आई ए तरफ पत्मे कई अकाल पे कार्रवाई जारी, आज सुबह एन आई ए तरफ वादी हिंदे शुमाल जनूबस में ताज़ कार्रवाई अमल में अन्न आमच, यद दौरान ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी कन कईन कारकुनन तो दोमें लूकन हिंदन गरन पे छाप त्रावना आई। वन से आज सुबह एन आई ए तरफ मुकामी पुलिस तो सी आर पी एफ के मदद सत जिले श्रीनगर में कईन जान पे कार्रवाई अमल में अन्न आमच, यल जन जिले बड़गाम कन कईन इलाकन मज कार्रवाई अमल मज अन्न अलव जिले बंडपुर, वरमुल, कपूर, गांधरबल, शुपियां, पुलवोम, जिले अनंत नाग तो जिले कुलगामस मज कईन जान पे एन आई ए तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई, या दौरान कई अहम दस्तावेजात जब्त करने आमुत। यपर जिले रामबन तो डोडास मज एन आई ए तरफ आज कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत, या दौरान कह अहम दस्तावेजात जब्त करनुक दाव करने आमुत। एल जी मनोज सिन्हा आज जिले कुलगाम के काचलू कुंड इलाक दौर कर्मुत, यद दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर मौजूद है। दौरस दौरान एल जी मनोज सिन्हा अकिस तकरीब दौरान वोनमुत हमसाय मुल्क तरफ नौजवान गुमराह कर कोशिश करने तो यह उलमान तो बुजुर्गन जिम्मेदारी जम हावन इन नौजवान सही बात। मनोज सिन्हा नौजवान हज बहबूदी तो जम्मू कशीर हज तमीर तरक्की हवाल कत कान वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ नौजवान हज बहबूदी हवाल कईया कदम तुलना आमित, युद्ध जन नौजवान हुन मुस्तकबिल ताबनाक बनावने यी। यल जन तिमो तमीर तरकी हवाल कात करान वुन जे जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ चे तमीर तरकी यकीनी बनावने च वाद बंद तो अमे हवाल ते चे संजीद कदम तुलना आमित। जो हमारे नौजवानों की बदलाहट की क्षमता, उनके टैलेंट को, उनके तवानाई को गलत सीख दे रहा है और बदजानी में जकड़ने की कोशिश कर रहा है, यह निश्चित रूप से अफसोस की बात है। बहुत सारे मौलवी साहबान और खतीब जिनकी पूरी दुनिया तारीफ और तौसीफ करती है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, पहले भी उनसे मैंने बातचीत की है कि बच्चों को सही तालीम दी जाए और सही तालीम के जरिए हर एक नौजवान तनवीर खान बन सके, इसकी कोशिश करने की जरूरत है और यही सही समय है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पड़ोसी मुल्क के बहकावे में आकर के यहां की तरक्की और अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी नौजवान आज प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिसके जरिए सीखने की प्रक्रिया हो या जीवन में कुछ बड़ा करने की हसरत हो, उसे पूरा किया जा सके। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि यहां का प्रशासन भी पूरी तरह इसी कोशिश में लगा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नीतियां बने जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, उनकी युवा चेतना को मजबूत किया जा सके और उनके अंदर की जो इच्छा है तरक्की की उसे पूरा। यहां की धरती को यदि देखें तो
तो ये संतों की, सूफी फकीरों की धरती है। यहां किसी भी तरह की हिंसा या गुनाह खुदा के दिखाए रास्ते के खिलाफ है। सूफी फकीर सिमनानी साहब का नाम आप सबने सुना है, उनकी दो पत्नियां आपकी नजर करना चाहूंगा। चेकुस बसत बात के एज इंतजारे बाउमीद और रसद उम्मीदवारे। सिमनानी साहब कहते थे कि एक लंबे इंतजार के बाद, मित्रों कुरान में लिखा है वो जाहिदू फिल्लाही हक जिहादिही, यानी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जितने प्रयास करने वो जरूर करिए। हम रोज संघर्ष कर रहे हैं, बाहर की यात्रा के साथ साथ अंदर की यात्रा का भी संघर्ष चलता, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है जीवन में तरक्की के लिए प्रयास करने की जरूरत है। शांति समृद्धि, आवाम की बेहतरी, लोगों के जीवन में खुशहाली आवे, इसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता। पीडीपी तरफ आज श्रीनगर में तकरीबी सन्ज कर आमुत ये पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो यूथ विंग हिंदो जिम्मेदारों तो कारकुनों शिरकत कर अत मौक पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तुम वर्करन पे जोर दिन आमुत जम ग चुक सान कम कर ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान पार्टी में शामिल सपदन ये जन अत मौक पे महबूबा मुफ्ती वो जम्मू में दायमी अमन कायम करने बाप जरूरी जत फार्मूलाज पे ये अमल कर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईदन मरकजस ब्रो कं थम नहीं। आज हमने यूथ के कुछ खसूसी कुछ लड़कों को बुलाया था और जो जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं उनके बारे में उनके साथ बात हुई कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि यूथ जो है वही हमारा मुस्तकबिल है और उन्हीं को आगे चल के ये सब जो है इसको फेस करना है। तो उसके बारे में बात हुई, उनके साथ डिस्कस हुआ कि जो जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता है, जब तक इसका कोई हल ना निकाला जाए, तब तक जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं तरक्की नहीं हो सकती है, सुधार नहीं हो सकता है। और इसके बारे में मुफ्ती साहब ने एक अपना एक विजन दिया था सेल्फ़ रूल के हवाले से, जिसमें बॉर्डर्स को हर तरफ से खोलना, जो पुराने हमारे बॉर्डर जो सिल्क रूट हमारा होता था, जहाँ से हमारा कारोबार होता था, जहाँ से जो जम्मू कश्मीर एक कारोबार का हब था, इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो रास्ते मिलते हैं, दूसरे कश्मीर के साथ जो रास्ते मिलते हैं, जम्मू सियालकोट है, नौशहरा जांगड़ है, श्रीनगर अस्तूर है, श्रीनगर कारगिल अस्करदू है, इसी तरह श्रीनगर जिंगजैंग है, इसी तरह जो हमारे आबी वसाइल हैं उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमें बार बार ये कहते हैं कि हमने इतना पैसा जम्मू कश्मीर में खर्च किया, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो बिजली जो पैदा होती है पूरे मुल्क में, सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर कोई बिजली का जाता है तो वो जम्मू कश्मीर से जाता है, तो वो करोड़ों खरबों रुपए हम मुल्क को देते हैं बिजली के पानी के हवाले से, तो वो हमें उसका हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसी तरह ये जो जंग है आपस में हमारे मुल्क और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को लेके, ये बंद होनी चाहिए, एक बातचीत का सिलसिला होना चाहिए, जम्मू कश्मीर एक अमन का पुल बनना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, जैसे मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावला कोट खुला था, कारोबार अब बंद पड़ा है पिछले एक दो साल से, वो चालू होना चाहिए। इसी तरह से दोनों तरफ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के मौके दिए जाने चाहिए, कारोबार होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से मुफ्ती साहब का एक अपना नज़रिया एक विजन था, उसको हमने एक्सप्लेन किया। और मेरा ये मानना है, मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से इससे बड़ा कोई प्रैक्टिकल कोई तरीका नहीं है, जिसमें दोनों मुल्कों की सालमियत को खतरा नहीं है, पाकिस्तान की अपनी सालमियत बरकरार रहती है, हिंदुस्तान की अपनी सालमियत बरकरार रहती है, बॉर्डर्स को तब्दील नहीं किया जाता है, बल्कि बॉर्डर्स को ख़त्म करके दोनों तरफ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे ग्रो होने का मौका दिया। मैम कोई कैलकुलेशन है आपके पास कि युवा कितने बंद हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कितने बंद हैं, कोई डेटा आपने बनाया है, स्ट्रक्चर किया हो अगर आपने? अब हो गया ना काफी। मैम एक रिएक्शन इस पे दे दीजिए बस। तो ये आपने देखा जो रिएक्शन है जो सामने आया, जैसे ही युवा को लेकर सवाल हुआ, क्योंकि मैडम आए दिन कहते रहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर बंद हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बंद हैं, युवा बंद है, तो इसमें एक शेर मेरे ख्याल में आता है जो काफ़ी पहले लिखा गया था, मैंने खुद लिखा था कि फ़िक्र में हम भी हैं तुम भी हो, किसको किसकी है फ़िक्र क्या खबर, क्या खबर महबूबा जी को अपने युवाओं की फ़िक्र है या फिर जो एक युवा बंद हैं उनकी फ़िक्र है।
अब देखना ये है कि युवाओं की क्या कोई लिस्ट बनाई है मैडम ने, फहरिस्त बनाई हुई है कि कितने युवा बंद हैं, या फिर वो बस एक ही युवा के चक्कर में जम्मू कश्मीर के हजारों युवाओं की बात बार बार करती रहती है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ से आज डाक बंगल खनबल अनंत नाग मज तकरीब सज कर आमुत यथ मज जुनेद अजम मत्तू तो यूथ विंग हिंदो जिम्मेदारो तो कारकुनों शिरकत कर अत मौक पे ये पार्टी मामलन हवाल कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत पार्टी मंशूर घर घर वातन हवाले गदम तुलने यन युत जन पार्टी जमीनी सुथरस पे मजीद मजबूत बनाने यी। मैन म्यूनसिपल काउंसिल जो यूथ की सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो थी, और बहुत सारे जो नौजवान कारकुन हैं मुख्तलिफ तंजीमों से आए उनने शमूलियत की। आपने देखा अभी इससे पहले भी मैं अनंतनाग यहाँ पर आया था और मैं नौजवानों से उस दिन मिला खनबल में। मैं आपको पूरे वसूख से ये बताना चाहता हूँ कि लोग क्या कहें, क्या झूठ कहें, क्या फरेब की सियासत करें, अपनी पार्टी उभर रही है, हर एक अतराफ़ो अकनाफ में उभर रही है, इदारा साजी हो रही है, एक इदारा बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बन रही हैं, यूथ बॉडी परकुलेट बूथ लेवल तक हो रही है, और हम मेहनत से दो चीज़ों पे, अपनी मेहनत से और सच बोलते बोलते इस तंजीम को अरूज तक ले जाएंगे, ताकि हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सकें, उनके लिए वो कर सकें, उनको उस तरीके। आपको भी पता है शायद साहब, ये तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, पुलिस वेरिफिकेशन एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी। हमारी ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बुरी आदत है, कभी वो जो एग्जिस्टिंग मेजर होता है उसको ऐसे दोहराते हैं कि लगता है कि कुछ नई आफत आ गई है। और इन द स्पिरिट ऑफ बार एसोसिएशन हंदवर तरफ से आज त्रेम दो एहजाज मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल वकील एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिंह तब्दीली हिज मांग करान एहजाज में शामिल वकीलों तरफ से वन आमुत यदवे ए डी सी सिंदिस दफ्तरस मज कई अकाम अंजराने बापत आम लूक तो वकील यवान चे, ताहम चुने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिंह तरफी यम काम अंजराने सवाल कां कदम तुलने यवान यम किन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद यपर आज जिला तरकियती कमिश्नर कपवर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिंदिस दफ्तर मौक कोरमुत यद दौरान तिमो वकीलन सत कत कर डी सी साहब हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने एश्योरेंस हमको दी कि हम जितने भी आपके मसाइल हैं उनको हम रेड्रेस करेंगे विद इन ए शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम वेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि कहाँ तक वो हमारी जितनी भी जो भी ग्रीवेंस है वो कहाँ तक वहाँ हल कर पाएंगे। यहाँ पे फिलहाल हमारी जो हंगर स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक नहीं यहाँ पे हम हंदवारा ए डी सी सब रजिस्ट्रार का तबादला हो जाएगा, तब तक हमारी हंगर स्ट्राइक जारी रहेगी। डी सी साहब चूँकि आज हॉलीडे थी इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पास यहाँ ज़्यादा कोई आया नहीं। डी सी साहब ने हमें इश्योर किया कि विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वी विल रिटर्न द ग्रीवेंस ऑफ योर लॉयर्स। तो यहाँ पे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और जिसमें वकला साहिबान को भी हमने सुना, मैं आया जब से मैंने सुना कि रात से ये यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं अपने प्रेसिडेंट साहब, तो हम आए इनसे मिलने के लिए ताकि मैंने कहा असल वजूहात जो है वो जाने और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके गिले शिकवे जो हैं वो हमने अभी सुने, बाज़ाब्ता एसोसिएशन के लोग मिले हमारे साथ, हमने पॉइंट वाइज नोट किया सारा डिटेल, उसे उस पर एक बाज़ाब्ता रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली जाएगी। इवन कल मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह, दूसरी साइड भी हमने देखनी है क्योंकि अफसर को भी सुनना है, इनको मैंने सुना क्योंकि ये स्ट्राइक पे थे, इनकी प्रायोरिटी थी ताकि मैं इनके पास आ जाऊँ इनकी बात सुनूँ, तो कल फिर हम दोबारा आएँगे और हम ऑफिशियल पार्ट जो इनने कुछ यहाँ पॉइंट्स बताए हैं उनको भी रिवेरीफाई करने की ज़रूरत है कि जैसे इन्होंने कहा कुछ अपील्स पेंडिंग रह रही हैं रजिस्ट्रेशन में, वो जल्दी नहीं हो रही है, सब चीज़ें जो है देखने के काबिल हैं, प्लस कुछ जो इन्होंने कहा कि वहाँ पे ज़्यादती हुई ऑफिस में कुछ वकला साहिबान के दरमियान और ए डी सी साहब के दरमियान, उस पर भी दोनों पार्टीज़ को हम साथ बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मसले आमने सामने बैठ के हल होते हैं वो दूरियों से दूरी बढ़ती है, दूर रहने से दूरियाँ बढ़ती हैं, अगर किसी भी तरफ से कोई कोताही हुई है गलती हुई है वो बैठ के इंसानी तरीके से उसको हल किया जा सकता है, और नेगोशिएशन ही एक 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 वाहिद माध्यम है, एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए से बड़ी सी बड़ी परेशानी और बड़ी सी बड़ी तकलीफ को दूर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये हाल ही नव फिल्म पॉलिसी मंजर आम अन्न आई तत वादी हिंदो हिदायतकारो अदाकारो तो अत सत वस्त दो लूको तरफ वन आमुत जदवे जम्मू कश्मीर इंतजामिया संजीद तेल पजि मुकामी हिदायतकारन तो अदाकारन सलाह मशवर कर।
मेरी यही गुजारिश है और मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए मुझे इसमें शायद कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ सवाल हैं, अगर कोई वे हो वो सवाल पूछने का और उनके जवाब अगर मिल जाए तो दैट इज़ डेफिनेटली ए वेलकम स्टेप, क्योंकि यहाँ की जो टीवी इंडस्ट्री है, जो दूरदर्शन के जो कलाकार हैं, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, एवरीबडी दे आर ऑल सिटिंग आइडल फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं जो हज़ारों फैमिलीज़ उसके साथ जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी सोचना चाहिए। और आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तो उसमें मुझे काफ़ी होप्स नज़र आ रही हैं एंड आई एम श्योर कि वो होगा, लेकिन वो एलैबोरेट नहीं हुआ है उसमें, और अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए और यहाँ के जो एक्टर्स हैं, जो यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए अगर सोचा जाए तो यही हमारी गुजारिश होगी हायर अथॉरिटी से। हम इसे समझते हैं ये एक अच्छा सेटअप है, इस पॉलिसी को लाया गया और उसमें काफ़ी अच्छे प्रोविज़न भी रखे गए हैं, लेकिन ओवरऑल हम जब इस पर नज़र डालते हैं कि हमारा जो एक बेनिफिट होगा हमारे आर्टिस्टों का, हमारे डायरेक्टर्स का, हमारे फिल्म मेकर्स का, उनको बेनिफिट मिलेगा थ्रू रीजनल सिनेमा। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी इल्तिजा है इंतज़ामिया से कि ये ठीक है आप बाहर के फिल्म मेकर्स आएँ, बहुत अच्छी बात है, यहाँ के छोटे मोटे आर्टिस्ट काम करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि जितने भी यहाँ लाइन प्रोड्यूसर्स आज तक काम करते आए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ फिल्म यूनिट्स के लिए काम किया है, इससे ऐसा भी लगता है कि उनकी रोज़ी रोटी छीनी जाती है। और अच्छी बात है कि इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है कि वो एक फिल्म इंस्टीट्यूट यहाँ बनाना चाहते हैं, वो तो बहुत हम वेलकम करते हैं उसको, लेकिन हमारी यही इल्तिजा है कि इस पर गौर किया जाए, क्योंकि रीजनल सिनेमा ही एक वाइड प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हमारे आर्टिस्टों के लिए, हमारे सब जितने भी लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बस एक ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है जहाँ उन्हें फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ रीजनल सिनेमा। हाँ, इसमें कुछ प्रोविज़न रखा गया है बट वो एम्बिग्यूटी में है, मतलब इसमें जो कहा गया है कि फिल्म काउंसिल के बारे में और सब्सिडीज़ के बारे में, अगर सब्सिडी इनको देनी है दैट शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द फिल्म मेकर्स ऑफ जे एंड के, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। इन्विटेशन मिला हमें गवर्नर हाउस से ऑन 5th कि ऐसे फिल्म पॉलिसी हो रही है, उससे पहले हमसे कोई मतलब नहीं हुआ था, लेकिन मैं अभी भी कोई वक्त नहीं गया है, मैं यही चाहता हूं कि जो हमारी यहां की गवर्नमेंट है अगर वो सही माने में, जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ कई पॉइंट्स हैं कि रीजनल इंडस्ट्री को डेवलप करना है एंड लोकल टैलेंट को बूस्ट करना है, अगर ये सब करना है, सीरियसली करना है, तो दे शुड मीट द पीपल हु आर डूइंग इट राइट नाउ। मुझे ले लीजिए, मैंने फिल्म बनाई है विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी वन, आई हैव मेड द फिल्म फ्रॉम माई पॉकेट, चाहे वो कैसे बनाई, किस तरह से बनाई, दैट आई नो हाउ आई फेस्ड इट, लेकिन क्या मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही 10 लोग सामने आए और फिल्में बनाएं, और ताकि और फिर गवर्नमेंट से एक बूस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमें वो पूरी हो, दैट्स वॉट आई कैन से अबाउट दिस। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन आज जिला अस्पताल शुपियन दौरा कर्मुत या दौरान तिमन हमरा महकमे सेहत दोयम अफसर त मौजूद है दौरस दौरान ये तिमो अस्पताल के काम कार जायजे हो तत तिमो अस्पताल इंतजामिया पे जोर दुत फरज ग चुकसान अंजाम दिन यिन युत जन ओर इन वाल मरीजन मुश्किल वेतरन पेन ये जन जरा ब्लॉग सत कान डॉक्टर मुश्ताक वोन जुदव लूक इंतजामिया अथवास कर मुमकिन जोना वायरस पे रोट लागन मं सपद आसानी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अगर हमें देखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हमें इसमें कोई पैसा नहीं लगाना, कोई 100-200 का खर्चा भी नहीं है, इतनी आसानी है, बहुत कम कीमत में हम ये प्रिवेंशन ले सकते हैं। और इसका जो सारे दुनिया भर में देखा गया प्रिवेंटिव मेजर्स से बहुत हम ये कोरोना खत्म हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड वैक्सीनेशन गवर्नमेंट को जो करना है, हमने पिछले टाइम भी हरा दिया सेकंड वेव में, वो हर कोई ऑन टोज रहा, एक सफाई वाले से लेकर हमारे एलजी साहब तक हर कोई ऑन टोज रहा और हमने हरा दिया। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, हम थर्ड वेव को आने से पहले ही हराना चाहते हैं, उसमें हमें लोगों का ताउन चाहिए, प्रिवेंशन प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन एंड एसओपी।
कंगन गांधरबल के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस में जचा बच्चा हस्पताल कायम करने हवाले इमारत तमीर करना आई ताहम छ आज तमाम इमारत इस्तेमाल मज अन हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन कंगन तो अत अंद पलकन मज रोज वाले लूकन सठा मुश्किल वतरन पेवान मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आम इमारत इस्तेमाल मज अन हवाल ग संजीद कदम तुलने यन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वतरन पे गुज़श्ता 10 या 11 साल बल्कि 12 साल से भी ज़्यादा पहले ये इसका मतलब एक शुरुआत हुई थी इसको कंस्ट करने के लिए की उम्मीद ये थी कि पूरे ज़िले मतलब गांधरबल ही न सही बल्कि आसपास के जो दूसरे अजला है उसके जो मजाफाती इलाके जो हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ये जच्चा बच्चा हस्पताल मदर एंड चाइल्ड हस्पताल है, इसको बड़े एक अच्छे मतलब पर्पज़ के लिए यहाँ पर कंस्ट किया गया था। आज देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड हम जब इसका इंटीरियर देखेंगे तकरीबन 90% के आसपास इसका काम मुकम्मल हो चुका है। एक्सटीरियरली जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब हम फॉलो करते हैं मुकामी एक बाशिंदे की हैसियत से, तो ये देखा गया है कि इसमें बॉयलर हाउस अभी तैमीर नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है जो इसके हवाले से, या आउटर ड्रेनेज सिस्टम जो है, तो हम जब इसके हुकाम से गुजारिश करते हैं जो कंसर्नर जो है उसको बताने की कोशिश, हमको ये कहा जा रहा है कि शायद बजट का इशू हो या कुछ हो, तो हमारी हुकाम से यही गुजारिश कि इसके लिए सब डिवीजन कंगन के सच्चा बच्चा हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो पिछले 2 सालों से इस राह में है कि इस हॉस्पिटल की इनाग्रेशन हो, 95% इसका काम मुकम्मल है, लेकिन क्या वजूहत है कि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल कंगन सब डिवीजन के लिए खोल नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ के लोगों को यही गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से कि इस हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द खोला दिया जाए ताकि कंगन का आवाम जो गरीब आवाम है यहाँ दूर दूर के इलाकों के सोनमर्ग से नारानाग से और एडजॉइनिंग जो गरीब आवाम है यहाँ के लोगों को राहत मिले। कितना कामयाब रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ये तो आने वाले वक्त से ही पता चलेगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी कंगन गांधर। नाजरीन कौशल खबरनाम जारी है तनिमो आख तिजारती वक्फ।